डरिए नहीं, इससे लड़ाई लड़िए और हमारे हॉस्पिटल में आइए। 24 घंटा हमारे वहाँ चिकित्सक मौजूद हैं, पारा मेडिकल स्टाफ, नर्सेज मौजूद हैं, सुविधाएं मौजूद हैं, जांच मौजूद है। हर रोज़ हमारे यहाँ अच्छे संख्या में मरीज आ रहे हैं और विश्वास लोगों को है और जांच करवाते हैं और संतुष्ट होकर के जाते हैं। बचाव ही इलाज है इसका कि पूरा जो है कपड़ा पहने, मच्छर को पनपने नहीं दें, अगल बगल को साफ रखें और मच्छरदानी का उपयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ढाका के प्रसिद्ध डॉक्टर साहब, अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी सुधीर कुमार गुप्ता। दरअसल आपको बता दें कि ढाका में इस वक्त डेंगू का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से फैलते जा रहा है। आपको बता दें कि ढाका में डेंगू से 2 व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता से कि आखिर डेंगू से बचने का क्या उपाय है और अनुमंडलीय अस्पताल के द्वारा इस डेंगू को लेकर किस तरह से सुविधा दिया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो अनुमंडलीय अस्पताल में आने के बाद क्या इनका इलाज ठीक से हो पाएगा या नहीं, जिन लोगों को आखिर डर लगता है कि सरकारी अस्पताल में जाने के बाद वहाँ ठीक से इलाज नहीं हो पाएगा, डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। सर, इस वक्त ढाका में डेंगू का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, सर इससे बचने के लिए लोगों को क्या कुछ करना होगा? हाँ, सही बात है। अभी इस बार जो है ज़ोर से ज़्यादा डेंगू का जो है प्रकोप आया है, इसलिए दिल्ली, लखनऊ, पटना से होते हुए हमारे एरिया में भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, शायद वह लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें खास तरह की एक बीमारी है जो कि एक एड्स एजिटी नाम का जो एक मच्छर है उसके काटने से होता है, और ये मच्छर जो है दिन के समय में ही काटता है और साफ पानी में अपने अंडा को देता है वो। तो पहली बात तो ये है कि जो है अपने घर को हम साफ़ सुथरा रखें, अगल बगल को साफ़ सुथरा रखें, और ये मच्छर बहुत दूर तक ऊपर नहीं उड़ता है, 3.5-3.5 फीट तक ही ऊपर जा पाता है। तो दिन में इस मच्छर के काटने से बचने के लिए लोगों को क्या करना होगा? बिल्कुल, तो अब ये है कि मच्छर के काटने से, चूँकि ये बीच का कैरियर हमारा है, किसी को काटता है उसमें अगर इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे इंसान के शरीर में इनकुलेट करता है वो। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने शरीर को हम ढक करके रखें, इसलिए दिन आवर में भी, डे आवर में भी अगर हम निकलते हैं तो पूरे ढकने वाला कपड़ा, फुल स्लीव का कपड़ा पहने, पूरा पैजामा पहने, हो सके तो पैर में हम मच्छर ये मोजा भी पहने, और कुछ दवा भी आती है रिपेलेंट्स कर करके, मस्कीटो रिपेलेंट्स, तो खुले हुए पोर्शन पर हम उसको लगाएं। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर दिन में भी हम सोते हैं तो हम मच्छरदानी का उपयोग, दिन में मच्छरदानी का उपयोग करना बिल्कुल करेंगे। मच्छर से बचने के लिए जो अक्सर जो लोग होते हैं कई तरह के अगरबत्ती का यूज करते हैं, क्या ये सब करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो भी एक अपने आप में टॉक्सिक होता है। जिस व्यक्ति को डेंगू हो गया हो वो खान पीन किस तरह का करें? खान पीन में पहली बात बतलाए कि जो इसको लिक्विड वाली भोजन जो है ज़्यादा दें, हम ऐसे भोजन दें जो डाइजेस्ट कर लें, पौष्टिक आहार हो, ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो, ज़्यादा मसालेदार चीज़ नहीं हो, और जिसे वो अच्छे से पचा ले। अनुमंडलीय अस्पताल के द्वारा किस तरह का सुविधा दिया जा रहा है? पहली बात बतलाए कि ये बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बचाव ही इलाज है। तो जितनी बातें बतलाए कि पूरे शरीर को ढक के रखना है, मस्कीटो नेट का उपयोग करना है, मच्छर को पनपने देना है नहीं देना है, चारों तरफ जो पानी जमा है उसको जमने नहीं देना है, अगर है तो उस पर स्प्रे करना है। दूसरी बात है कि हम लोग के तरफ से ये है कि जो भी मरीज अगर इस शक किसी को अगर डाउट होता है बाहर से आएँ तो हमारे हॉस्पिटल में भी इसकी व्यवस्था है, हम लोग की बेड भी लगी हुई है। पहली बात, कोई बेड लगा हुआ है मतलब स्पेशल, अगर कोई इस तरह से बात होते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल वार्ड बनाया, जैसे कोरोना के लिए बनाया था, कोविड के लिए बनाया, JEE के लिए बनाया, तो इस तरह से कुछ मौसम के हिसाब से कुछ होता है तो स्पेसिफिक हम लोग मस्कीटो नेट लगा हुआ वहाँ पर बेड लगा हुआ है कि अगर कुछ इस तरह की बात होती है, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बार बार बोलना है कि शरीर में पानी को हमको बचाना है। कुछ लोगों की प्लेटलेट की कमी होती है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, दो ही से चीज़ से मौत होती है इसमें, एक तो शरीर में पानी की कमी जिसको हम लोग शॉक सिंड्रोम कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम, पानी की कमी। तो अगर 50% ऐसी हम बचा लिए कि अगर पानी की मात्रा को हम बचा के रख दें। दूसरी है, किसी किसी में रेयर है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जब ब्लीडिंग टेंडेंसी, प्लेटलेट काफ़ी डाउन हो गया, काफ़ी डाउन हो गया की बात है, थोड़ा सा कम के लिए घबराने की बात नहीं है, कम होना है, फिर उसका 5 से 7 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में मरीज ठीक हो जाते हैं।
हकीकत यही है, उस दौरान उनको अपने पर ये करना है। तो उसमें हेमरेजिक होता है, उसको हेमरेजिक डेंगू बोलते हैं, तो उसमें मौत होने की चांसेस रहती है। तो किसी बचाने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल के द्वारा उस तरह का कोई, हाँ तो मेरी सुविधा ये है कि आप आइए, वहाँ जांच की सुविधा उपलब्ध है और दवा भी उपलब्ध है। एक बात बतलाए कि इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे टीबी की दवा होती है, टीबी दे दिए, टीबी की दवा ठीक हो गया, इसकी कोई, इसमें हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, लोगों को पानी उनी पीने के लिए बात करते हैं, अगर बुखार है तो कुछ पैरासीटामोल देते हैं, कोई दूसरी दवा नहीं देनी है, और उसको जो है कुछ विटामिन से और ये है ये सलाह देते हैं, उसको आराम करने के लिए देते हैं, पौष्टिक आहार के लिए देते हैं। जांच की बात है तो हमारे लिए जांच उपलब्ध है, किसी को अगर प्लेटलेट की कमी है तो CBC हम लोग करवाते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ उपलब्ध है। अगर शक होता है या बाहर कोई आया है, अगर शक है तो डेंगू का भी जांच हम लोग करवाते हैं। सर, जिस व्यक्ति को डेंगू हो जाए तो सरकारी अस्पताल में आने से डरते क्यों हैं सर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हर रोज़ हमारे यहाँ अच्छे संख्या में मरीज आ रहे हैं और विश्वास लोगों को है और जांच करवाते हैं, संतुष्ट होकर के जाते हैं। डर को खत्म करने के लिए, डर को खत्म करने के लिए लोगों को हम यही कहेंगे कि डरिए नहीं, इससे लड़ाई लड़िए और हमारे हॉस्पिटल में आइए, हमारे 24x7 हमारे वहाँ चिकित्सक मौजूद हैं, पारा मेडिकल स्टाफ, नर्सेज मौजूद हैं, सुविधाएं मौजूद हैं, जांच मौजूद है। और जिस पेशेंट का अगर डेंगू पॉजिटिव आता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसके लिए हम लोग पुनः जांच जो है सदर हॉस्पिटल मोतिहारी से कराते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वहाँ भी अगर डेंगू पॉजिटिव होती है तो वहाँ से हम लोग को एक निर्देश आता है कि उस एरिया में, जिस एरिया में जो है पेशेंट निकले हैं, वहाँ हम लोग फॉगिंग करवाते हैं, उस पेशेंट के चारों तरफ के कुछ घरों पर जो है हम लोग फॉगिंग करवाते हैं। ग्रामीण एरिया में हमारे जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है और नगर एरिया में जो है वहाँ कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कराया जाता है।